परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दादू साहब जी ने कहा कि जिन मुझको निज नाम दिया सो एक सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सत्यधार। ऐसे मुलुकदास जी ने कहा, ऐसे धर्मदास जी ने कहा, ऐसे गीसादास जी ने कहा, और ऐसे ही स्वामी रामानंद जी ने कहा कि दोहु ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मत जो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार। ये तो उन महापुरुषों की वाणी में आपको प्रमाणित कर दिया जिन्हें भगवान मिला। इसी के संदर्भ में अब ये कथा सुनाता हूं। जब परमेश्वर कबीर जी लीला करते हुए, जैसे परमात्मा के बारे में आपको बहुत बार बताया है कि ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी संवत 1455 सन 1398 को परमात्मा सतलोक से आकर एक शिशु रूप धारण किया था, लहर तारा नामक एक सरोवर में कमल के फूल पर। वहाँ पर एक अष्टानंद नाम के ऋषि जो रामानंद जी के शिष्य थे वो भी इसके प्रत्यक्ष दृष्टा थे। उन्होंने रामानंद जी को जाकर बताया था सारी घटना। उधर से नीरू नीमा जो निसंतान जुलाहे थे वो स्नान करने के लिए उसी तालाब पर जाते थे जो गांव उनकी रिहास से रेजिडेंट से झोंपड़ी से 3-4 किलोमीटर दूर था वन में, जहाँ गंगा का जल ही लहरों द्वारा उछलकर इकट्ठा होता था वर्षा के दिनों में। वहाँ परमात्मा को पाया था, शिशु रूप को लेकर, छोटे से नवजात शिशु को लेकर घर आए थे। सारा संसार गांव देखने गया था, सारा शहर काशी शहर देखने गया था, इतना सुंदर बालक तो देखा ना सुना। 25 दिन तक परमात्मा ने कुछ नहीं खाया था। तब चिंतित हो गए थे दोनों नीरू नीमा, तो तब परमेश्वर की लीला कबीर भगवान की कृपा से एक कुंवारी गाय मंगाई गई थी। लंबी कहानी है, आज आगे से शुरू करेंगे। एक कुंवारी गाय, कुंवारी बछिया, जैसे नीरू जो है पहले ब्राह्मण था, गौरी शंकर नाम था, इसी जन्म में उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था। ऐसे नीमा को भी उसकी पत्नी थी, इन दोनों को जबरदस्ती हिंदू से मुसलमान बनाया था। फिर भी इनकी आस्था, और वैसे भी कोई भी साधु हिंदू मुसलमान कोई भी है, आपत्ति आती है तो सभी धर्मों के गुरुओं के पास अपने शंका अपने और संकट का समाधान के लिए जाते हैं। तो नीरू गया था रामानंद जी के पास। रामानंद जी ने उसको कहा था कि कुंवारी गाय का वो दूध पिएगा, मुझे वो विद्वान पुरुष नजर आता है कोई, और उसको कुंवारी गाय लाकर दूध पिलाओ, कुंवारी गाय दूध देगी। तो ये उसके गले नहीं उतरी थी किसको नीरू कहे कि कुंवारी गाय कैसे ना ज्ञान दूध देगी। स्वामी जी ने मुझे वैसे टरका दिया है, ये सोचकर वो घर आकर बैठ गया। उसी दिन नीमा ने फाइनल फैसला कर लिया था कि यो बच्चा मरेगा और मैं साथ मरूंगी, इसके बिना जी नहीं सकती। और वो शंकर के पुजारी थे उसी जन्म में जो ब्राह्मण थे, तो शंकर जी को याद किया, परमात्मा की प्रेरणा थी। शंकर जी वहाँ से साधु रूप बनाकर प्रकट हुए, सामने आते नजर आए। माई ने फिर अपना सारा दुख बताया तो परमात्मा को गोदी में लिया। परमात्मा कबीर जी पालने से उठा करके नीमा ने साधु रूप में खड़े शंकर भगवान के चरणों में डालना चाहा। परमात्मा ऊपर उठ गए, साधु रूप में खड़े शिव जी के सिर के बराबर हवा में स्थिर हो गए। तब माई खुश हुई कि साधु, इस साधु में बड़ी करामात है, मेरे बच्चे को हवा में उड़ा दिया तो जीवन दान भी देगा। और वो लीला मालिक खुद कर रहे थे। अब शंकर जी ने ऐसे हाथ किया था उसकी गोदी में आगे कुछ भगवान
25 दिन के बालक शिशु रूप में, तब परमात्मा की और उस शंकर भगवान की 6 बार वार्ता हुई। अरमाई देख रही है ध्यान से, बच्चा बोल रहा है, वह सोच रही थी इस बाबा जी ने बुला दिया मेरा बेटा। तो यहाँ गरीबदास जी सूक्ष्म वेद में कहते हैं, जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। हमने राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश को इन्हों सुप्रीम पावर मान रखा, ताकि छोटे मोटे संकट जो इन पुजारियों पर आते हैं वो भी भगवान कबीर साहब ही उनको सुख देता है और नियमित इनके कर देते हैं। ये महिमा के भूखे नहीं है, क्योंकि जिसकी महिमा अपरंपार उसने जरूरत नहीं महिमा कराने की। तो शंकर भगवान उस बाबा जी की महिमा बन रही थी उस नीमा की दृष्टि में, वो भी सोच रहे थे परमात्मा या बुढ़िया मर जाएगी, मैं तो मरूंगा नहीं, प्रिया मर लेगी चिंता कर कर मेरे विषय में, खाना इसने छोड़ दिया। तब शंकर भगवान में प्रेर को कहा परमात्मा ने कि कुंवारी बच्चिया मंगाओ, उस पर आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखो, वह दूध देवेगी, मैं उसको पीऊंगा, और साफ बर्तन मंगाओ ब्राह्मण उसके कुम्हार के इधर से। तब नीरू को बताया गया और उधर से रामानंद जी ने भी यही कहा था, तो उसके कुछ आशा जाएगी। और उसने कहा महात्मा ने कि तुम लाओ बच्चा, महात्मा रूप में खड़े शिव जी ने कहा कि नीरू आप जाओ लाकर बच्चे लाओ, मेरे आशीर्वाद से दूध देगी। तब उसको विश्वास हुआ कि महात्मा में कुछ करामात है। ऐसा ही हुआ, कुंवारी गाय ने दूध दिया, भगवान ने दूध पिया। तो आज तक हम जिन सदग्रंथों को सत मानते रहे, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में स्पष्ट लिखा है कि जब भगवान परमात्मा अमर पुरुष पूर्ण परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके अपनी लीला करने प्रत्येक युग में आते हैं, तो वो कुंवारी गाय से उनकी परवरिश की लीला होती है, ऐसा लिखा है। जब वेद बताते हैं, आपको बहुत बार दिखाया दास ने, जब वेद बताते हैं कि भगवान ऐसी लीला करता है, और जिसने ये लीला की है हु इज गॉड, ही इज गॉड, तो वो कबीर इज गॉड। कौन कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अब गरीबदास जी की अमर वाणी आपको सुनाएंगे। अपने आत्माओं, जैसे अभी तक हम जो भी कथा कहानी सुनते थे, जो दास आपको अभी तक ज्ञान सुनाता रहा, वो प्रमाण अधिक देता रहा, सदग्रंथों को रूबरू करके आपको इस सत्र पर लाया हूं कि अब जो दास मालिक की वाणी पढ़कर सुनावेगा, आपके सारी सत्य विश्वास होगा। यदि पहले मैं ये कथा और ये वाणी सुनाता रहा तो आप मन मार के बैठे रहते, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, आपके कर्म भी बिगड़ते रहते। नाम लेने के बाद भी अगर गुरु जी के बातों पर अविश्वास होता है तो उसमें आपके नाम में फर्क पड़ता है, नाम कमजोर होता है, आपकी आस्था घटती जाएगी तो भगवान का भी हाथ हटता चला जाएगा। तो इसलिए दास ने पहले लगातार 10-12-13 वर्ष तक एक ही रट रखाई, सब प्रमाण दिए, सदग्रंथ दिखाए, ताकि आपको ABCD पढ़ाई भक्ति की, और अब इस योग्य हुए हो कि इस गूढ़ रहस्यों को समझोगे जो सदग्रंथों में प्रमाणित है। अब जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पूर्व घटी घटना रामायण की अपनी सिंपल लैंग्वेज में, चौपाइयों में, संत भाषा में लिख दी, और पूरे हिंदू समाज को वो सत्य माने हैं, क्योंकि जो का तो चित्रण है, चित्रार्थ है, पहले संस्कृत में थी, फिर उन्होंने अपनी सिंपल भाषा में लिख दी। ऐसे ही गरीबदास जी ने उस परमेश्वर की, कबीर परमात्मा की, असीम ब्रह्मांड के स्वामी की महिमा तुलसीदास की तरह आंखों देखी लिख दी। तुलसीदास ने तो सुनी सुनाई लिखी, और परमात्मा गरीबदास जी ने आंखों देखा भगवान का, और यहाँ तो उनकी दया से उनकी दिव्य दृष्टि खुली, वो सारा ज्ञान इसमें लिखा, वो सुनाता हूँ। 84 बंधन कटे किन्नी कल्प कबीरे, भवन चतुर्दश लोके सब ये टूटे जम जंजीरे, अंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए,
सो तो एक कबीर है जननी जने नवाए, शब्द स्वरूप साहेब जनी शब्द सिंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाई, ग्रीव जल तल पृथ्वी गगन में वो बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर है वो अवगत पुरुष अलेख, सेवक होके उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। अब गरीबदास साहब जी क्या बता रहे हैं, जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर है वो अविगत पुरुष अलेख। जैसे सूर्य आकाश में है, लाखों को किलोमीटर दूर है, वहां साकार है, उसकी उष्णता उसका प्रकाश हमें यहां प्राप्त है, तो इसी प्रकार परमात्मा साकार है, एक देशीय है, जहां चाहे कहीं रहो लेकिन उसकी शक्ति से सब ब्रह्मांड संचालित है और हम जीवों के अंदर भी उसकी शक्ति से ही सब कार्य हो रहा है। तो यहां कहते हैं जल थल पृथ्वी गगन में ये बाहर भीतर एक, अवगत पुरुष पूर्ण ब्रह्म कबीर है ये अविगत पुरुष अलेख। फिर क्या कहते हैं, वो परमात्मा सारे सृष्टि का मालिक, सेवक होके उतरे, दास बनकर ऊपर से कबीर दास कहाए, सेवक होके उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु में बार बार बलि जाही। गरीबदास जी कहते हैं बलिहारी जाओ उस परमात्मा पे, यहाँ दास बनकर कबीर दास धानक जुलाहा ऐसे दिखा रहा जैसे हैंड टू माउथ। वो तो इसलिए दिखा रहे थे कि बच्चों इस गंदे लोक में घड़ी कोठी बंगलियां के पीछे ना पड़ो, अपना जीवन नाश मत करो, मुझ पर विश्वास करो, मैं जैसे रह रहा हूँ मेरी तरह रहो। मैं क्या भूखा मर गया, 18 लाख व्यक्ति आए थे उनको मोहन भोजन खिला दिया, तो तुम्हें भी मैं ऐसे ही खिला दूंगा, ऐसे ही रखूंगा, तुम मेरे अनुकूल चलो, मेरी मर्यादा में रहो, बस इतनी सी। सेवक हो के उतरे, उतरे माने सहसरी राय, और ऊपर स्पष्ट कर दिया है अनंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, बंदी छोड़ यानी सबके बंधन छुड़ाने वाले, कैद से मुक्त कराने वाले, अनंत कोट ब्रह्मंड में वो बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है वो जननी जने नवाए, सेवक होकर उतरे वो इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण है, और किस उद्देश्य से, जीवों का उद्धार करने के लिए, जगत गुरु रूप में सबके सत्मार्ग की शिक्षा देने वाले के रूप में। और गरीबदास जी कहते हैं उसके ऊपर मैं बार बार बलिहारी जाऊं, ऐसे महापुरुष ऐसे समर्थ, और यहाँ हमारे लिए भटक रहे एक दास बनकर कबीर दास, कभी हम गाली दे रहे थे, पत्थर मार रहे थे उसको, अपने बाप को, हमने काल की इतनी भांग पी रखी है। काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अदारे, कहते काशीपुरी में परमात्मा आए ऊपर से, अधर अधार ऊपर के ऊपर आए, मोमन को मुजरा हुआ वहां जंगल में दीदारे। अब जहां परमात्मा प्रकट हुए उनका इतना सुंदर शरीर दिखे था, इतना नूर था उनके शरीर में, कोटि किरण शशि भाने सुध ये आसन अदर विमाने, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण। नीमा ने जब बच्चे को गोद में लिया, वहां से उठाकर प्यार किया पुत्रवत, कभी उसके मुंह से प्यार, मुंह चूम कर प्यार कर रही है, कभी माथे को चूम रही है, कभी सीने से लगा के, और अपने शंकर भगवान के सो सो शुक्र मना रही है कि शंकर भगवान ने मुझे पुत्र दे दिया। अब यही तो चक्कर पड़ा हुआ था, हम पूज्य थे किसी ने, काम करे था कोई, और क्रेडिट किसी को मिल रहा था, धनी का नाम नहीं था। अब पता चलेगा ये कौन था, कौन खेल कर रहा था हमारे साथ।
गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंत। इतना सुंदर शरीर था परमात्मा का, वाइट जैसे बर्फ होती है, हिम बर्फ। काशी उल्टी गुल भया मोमन का घर घेरे, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है कोई कह इंद्र कुबेर। अपनी अपनी अटकलें, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो अड़ोस पड़ोस की औरतें आती हैं, रिश्तेदार भी आ जाते हैं। कोई कहता है इसके चाचा पर शकल जाती है, कोई कहता है इसकी मामा पर शकल है इसकी, कोई कहे इसकी ताई पर, कोई कहे इसकी माँ पर शकल है इसकी। तो अपनी अपनी सूझबूझ से वो उसकी वेरिफिकेशन कर रहे थे। क्या काशी उमटी गुल भया और मोमन का घर घेरे, घर के ऊपर आ गए सारे देखने का तेरे झुंड के झुंड। कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है कोई कहे इंद्र कुबेर। कोई तो कहता है कि ब्रह्मा जी नजर आते हैं, कोई कहे विष्णु कैसी शकल दिखाई देती है, कोई कहते नहीं ये तो कुबेर की तरह नजर आता है। कोई कहे ब्रह्म धर्म राय है कोई कहते है ईश। सोलह कला सुभान गति कोई कहे जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मेटन तीनो तापे। कहते हैं भक्ति और मुक्ति यथार्थ लेकर के यहाँ अवतरित हुए और हम दुखियों के तीनों तापों का नाश करने के लिए, ये विधि बताने के लिए परमात्मा आए, तीनों तापों का नाश करने की विधि लेकर आए। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1-94 के, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में ये स्पष्ट किया है कि परमात्मा जब सह शरीर यहाँ आते हैं या वैसे नवजात शिशु का रूप धारण करके बड़े होते हैं लीला करते हुए, तो वो एक कवियों की तरह आचरण करते हुए अपना ज्ञान बताते हुए फिरते हैं और वो अपनी वाणी के द्वारा बोल बोल कर भक्ति के लिए प्रेरणा करते हैं, ऊंचे स्वर में आवाज लगाते हैं और भक्ति के गुप्त मंत्रों को वो स्वयं ही आविष्कृत करते हैं, यहाँ कर हमें देते हैं। तो वही ये यहाँ गरीबदास साहब बता रहे हैं, भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मिटन तीनों तापे। मोमिन यानी मुसलमान दुल्हे के घर पे मोमिन कर डेरा लिया वो कहे कबीरा बापे। दूध ना पीवे ना अनबके ना पलने झूलंते, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलंते। कुछ खा पी नहीं रहे थे फिर भी इतना स्वस्थ शरीर था जैसे किलो दूध रोज पीता हो बच्चा, ऐसे फल रहे थे। लेकिन जब तक कुछ खा पी ना ले तो माँ बाप के को विश्वास नहीं होता कि ये सुरक्षित है, नहीं खाता कभी भी मर सकता है, ऐसी चिंता में वो दोनों जने थे। अब खलक मलक देखन गया राजा प्रजारीत, जम्बू दीप जहान में वे उतरे शब्द अतीत। जम्बू दीप, ये जम्बू दीप भारतवर्ष है, परमात्मा सहसरी राय अपने शब्द शक्ति से वचन से। दुनी कहे यो देव है, दुनिया कहे यो देवता दिखे, देव कहे ये ईशे। ऊपर देवता बातें कर रहे हैं कि तो भगवान हो सकता है, यानी ये भगवान मानते हैं निराकार यानी साकार बन के आ गया है निरंजन। ईश कहे ये पूर्ण ब्रह्म है पूर्ण विश्वे बीस, ये पार ब्रह्म है। यानी आप अपनी अटकल लगा रहे हैं। फिर कहते काशी गए कुरान ले धर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर मैं फुर्या धन कबीर बल जाऊं मैं। सकल कुरान कबीर है हरफ लिखे जो लेख, काशी के काजी कहे ये गई दीन की टेक। बच्चे का नाम रखने के लिए मुसलमान भाई काजी आए, वो क्या करते हैं कुरान शरीफ को खोलते हैं, खोल के जो पहला अक्षर होता है उसके आधार से वो नाम रखते हैं। कबीर का अर्थ बड़ा भी बताते हैं ये लोग काजी। तो कबीर शब्द था प्रथम, तो उन्होंने तुरंत वो पवित्र कुरान शरीफ बंद कर दी, फिर खोलने लगी, आपस में बतलाने लगे कि कबीर
दुल्हे का लड़के का नाम कबीर थोड़ा ही रखना चाहिए, कबीर माने बड़ा। देखो बेसिक कहीं जैसे मुसलमान धर्म है जाति पाति नहीं मानते, लेकिन ऊपर से नहीं मानते, अंदर से जो की तो व्यवस्था है। तो उन्होंने सोचा था कबीर नाम किसी अच्छे घराने का रखेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलता है, इसको रखेंगे इसने तो एक टका देना है, दो मुट्ठी दाने दे देगा। तो उन्होंने सोचा बंद करो और देखते हैं। दूसरा देखने लगे उसमें भी कबीर, पूरे उस पृष्ठ पे कबीर कबीर दोनों पर, कुरान वाले हर अक्षर नहीं रहे। फिर और पलट कर देखा सारी को कबीर 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 लिखा सारे। परमात्मा बोले काजी कबीर नाम है मेरा यही रहेगा। उस कुरान को वहीं पटक गए, ये जादू जंत्र जानता है, ये कोई कमबख्त पैदा हो गया तुम्हारे, मनुष्य पैदा हो गया है, इतना और भड़का दिया उनको। और पता नहीं क्या क्या बकवाद करी, और लंबी कहानी है वो यहाँ नहीं सुनाऊंगा। तो बच्चे का नाम कबीर ही रखा गया। यहाँ गरीबदास जी कहते हैं काजी गए कुरान ले धर लड़के का नाम, अक्षर अक्षर में फुरा धन कबीर बलि जाऊ मैं, सकल कुरान कबीर हुए हरफ लिखे जो लेख, काशी के काजी कहे या गई दीन की टेक। महाराज ने धर्म भ्रष्ट कर दिया, सारी कुरान कबीर कबीर लिखी गई वही पट गए। काजी गए पटक कर कुरान को, दूध न पीवे न अनभक न पलने झोलंत, अगर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते, ना कुछ खा रहा था ना पी रहा था। तो कहते शिव उतरे से पूरी से ये अवगत बदन विनोदे। गरीबदास जी बता रहे शिव जी आए शिवलोक से एक साधु रूप ना के, शिव उतरे से पूरी से वो अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी भये जब लिया ईसकू गोदे। छोटे से बच्चे को तुम शंकर भगवान ने गोदी में लिया, कहते हैं उसकी आत्मा खुश होगी, सारे शरीर में रोंग रोंग करने लगे शंकर भगवान के। नदर नदर से मिल गई फिर ई किया ईस परिणय में, धन मो मन धन पूरे ना यो धन का सीनी काम। अब शंकर भगवान साधु रूप में नीरू को बता रहे थे कि धन है तेरा यो सारा काशी नगर, और तेरा घर धन है जिसके घर ये भगवान आगे माई, और यो बालक मरेगा नहीं, मरने का वाला नहीं है। तो माई कहने लगी नीमा के महात्मा जी ये सुख की सांत्वना से मेरा दिल डटने वाला नहीं है, ये कुछ खावेगा तो मेरा दिल डटेगा, यह सांत्वना मुझे आपकी संतोष नहीं दे सकती। अब क्या बताते हैं नजर नजर में मिल गई किया इस परिणाम में, धन वो मन धन पूर्णा ये धन का सीनी काम। सात बार चर्चा करिए बोले बालक बेने, शिव को कर मस्तक धरा ल्या मोमिन एक धेनु। कहते हैं कबीर परमात्मा की छोटे बच्चे की 25 दिन के की और शिव जी की साधु रूप में सात बार चर्चा हुई, और माई खड़ी खड़ी देख रही थी, साथ में नीरू खड़ा था। अनब्यावर को दूहत है कुंवारी को दूहत है, कुंवारी बछिया को दूहा, दूध दिया तत्काल पीवे बालक ब्रह्म गति ता शिव भय दयाल। सट मास के जब हुए नित नैना वार दे, चरण चरण नित पूरी में याद शिक्षा नित ले। 6 महीने के लीला में शरीर में परमात्मा हुए तो उसी समय पैदल चल पड़े थे, पांव चलने लगे थे। अब थोड़ी सी कहते हैं अब रामानंद जी के बारे में बताया वो कौन थे कैसे थे। भगति दरावड़ देश थी यहां नहीं एक रिंच, ऊत भूत की धावना या पाखंड और परपंच। रामानंद आनंद में काशी नगर मंझारे, देश द्राविड़ छोड़ कर वो आए पूरी विचार।
अब स्वामी रामानंद जी के साथ आगे लिंक होता इस कथा का, इसलिए गरीबदास जी ने बीच में थोड़ा हिंट दिया है कि स्वामी रामानंद जी ये बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण माने जाते थे वेदों गीता पुराणों के, और काशी एक हमारे पूरे विश्व के अंदर काशी अध्यात्म का एक केंद्र माना जाता है। तो जब रामानंद जी द्राविड़ देश में दूर रहने वाले थे, उन्होंने जब देखा कि ऐसे पवित्र नगरी में ये नकली ब्राह्मणों ने वहाँ पर ऊत भूत की पूजा पाखंड प्रपंच का प्रचार कर दिया है, तो वहाँ जाकर उन्होंने वेद शास्त्रों गीता अनुसार ज्ञान देने की सोची, वहाँ आकर रहने लगे। लेकिन उनके विचारों से, क्योंकि ये लोग संस्कृत बहुत बोलते थे, एजुकेटेड बचपन से पढ़ने लगते थे, तो वहाँ की आसपास के क्षेत्र के लोग बड़े प्रभावित हुए कि रामानंद जी बड़े विद्वान पुरुष हैं, जिस कारण से ब्राह्मणों के एजुकेटेड बच्चे उनके शिष्य हो गए और 1400 ऋषि शिष्य बना दिए, जो केवल वेद गीता और पुराणों के आधार नाम लेकर के वो प्रचार करते थे। तो लोगों में कुछ वहाँ भक्ति पनपी, और लेकिन वो पाखंड भी बराबर चल ही रहा था। तो उसी समय क्या बता रहे हैं कि भक्ति द्रावड़ देश थी यहाँ नहीं एक रिंचे काशी में, ऊत भूत की धावना पाखंड और परपंच, रामानंद आनंद में काशी नगर मंधारे, देश द्रावड़ छोड़कर वो आगे पूरी विचार, काशी में आगे ये विचार करके योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट में वो अटक रहे बलबीर। बचपन से ही ब्रह्मचारी थे स्वामी रामानंद जी, और योग साधना भी करके मेडिटेशन करके उसने अपने आप को मान रखा था कि मैंने बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली है, अपने शरीर को साध लिया है, योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, लेकिन त्रिवेणी के घाट पर वो अटक रहे बलबीर। आगे चल के तीन रास्ते हो जाते हैं, उसको त्रिवेणी बोलते हैं। अभी तक किसी को ज्ञान तो था ही नहीं। जब हम यहाँ से चलते हैं, त्रिवेणी किसको बताते हैं कि जहाँ इला और पिंगला आगे जाके सुषुम्ना में मिल जाती हैं, इससे आगे चल के जब हम त्रिकुटी पर पहुँचते हैं, त्रिकुटी के बाद फिर तीन रास्ते होते हैं, त्रिकुटी के बाद तीन रास्ते, वो त्रिवेणी कहलाती है। योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट में वो अटक रहे बलबीर, तीर्थ व्रत एकादशी और गंगोदक स्नान, पूजा विधि विधान से सर्व कला सुर ज्ञान, करे मानसी सेव नित आत्म तत् का ध्यान, सठ पूजा आरंभ गति धूप दीप बंधान, 1400 चेले किए काशी नगर मंझारे, चार संप्रदा चलत हैं और 52 दरबारे। अब इतनी प्रभुता होगी थी स्वामी रामानंद जी की, 1400 तो ऋषि शिष्य बना दिए थे ब्राह्मणों के बच्चे जो रामानंद जी के ज्ञान को आगे प्रचार कर रहे थे, और तीर्थ व्रतों और इन मानसिक पूजा किया करता था भगवान की, ज्यों की त्यों। एक तो सटकर्म होते हैं ये सारे करता था, उनमें से सटकर्मों में से एक है शाल्यग्राम की पूजा। शाल्यग्राम मीन भगवान विष्णु श्री कृष्ण जी की कोई मूर्ति पत्थर पीतल चांदी की, उसको क्या करते हैं ये कि सब पहले उनको सब वस्त्रों से सुसज्जित करते हैं, जैसे धोती है, एक परना है विष्णु भगवान का, फिर मुकुट है, और गले में एक मनके की माला यानी कंठी तुलसी की माला डालते हैं, एक बैजंती माला भी बनाते हैं उनके लिए। तो ऐसे वो मानसिक करता था, मूर्ति बनाकर नहीं करता था, मन मन में कल्पना करता, जैसे सोपन देखा करते हैं, ऐसे प्रतिदिन अभ्यास कर रखा था स्वामी रामानंद जी ने। कहते 5 वर्ष के जब हुए काशी मंज कबीर, दास गरीब अजब कला ये ज्ञान धान गुण थी, गुल भया काशीपुरी ये
अटपटे बैन बिहंगे गरीब दास गुनी थके वो सुन दुल्हा पर संगे। 5 वर्ष की आयु में जिस उद्देश्य को लेकर भगवान आते, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9। ये कंप्लीट ज्ञान है इस परम पिता कबीर भगवान का, कि वो कबीर देव कबीर साहेब सतलोक में रहते, राजा के समान देखने में राजा की तरह बैठे हैं सिंहासन पर, ऊपर सिर पे मुकुट है, और वहाँ से गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, 3 प्रकार से लीला करते हैं, एक रूप में वहाँ रहते हैं, जब दूसरे यहाँ आते हैं तो कभी प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके एक लीला करते हैं, जिसको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं, फिर धीरे धीरे लीला में करते हुए बड़े थोड़े से ऊपर बड़े होते हैं, तो बचपन से ही प्रचार करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, तत्व ज्ञान समझाते हैं, कवियों की तरह आचरण करते फिरते हैं, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवियों में से भी एक कवि भी कहलाते हैं, लेकिन वो होते हैं परमात्मा। तो उसी आधार से वही प्रमाण गरीबदास साहब दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं, 5 वर्ष के जद भये काशी मंज कबीरे, गरीबदास अजब कला यो ज्ञान ध्यान गुण थीरे। 5 वर्ष के जब हुए इतना गजब का ज्ञान बताया करते थे कि बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते थे, जैसे रामानंद के छोटे मोटे 1400 ऋषि कहीं सत्संग कर रहे होते थे तो परमात्मा खड़े होकर एक प्रश्न करते थे, क्या, कौन ब्रह्मा का पिता है कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है पंडित जी दे बता, या इनकी टैं टैं फिस, ये तो अजर व अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं है, तो क्या बकवास करता है, बंद कर देते इसको बात सुनना। अब क्या कहते हैं, गुल भया काशी पूरी ये अटपट बैन बिहंगे, गरीब दास गुणी थके सुन गुजुल्हा पर संगे। गरीबदास जी कहते हैं बड़े बड़े विद्वान, गुणी माने विद्वान, परमात्मा के सामने वो प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके, जैसे एक सिंपल सा उदाहरण है, वो भगवान को निराकार बताते हैं, परमात्मा कहते हैं तुम वेदों को सत्य मानते हो, हाँ जी, तो वेदों में फलाने फलाने उसमें ये ऐसे लिखा है, पढ़ कर देखो, पढ़ लेते थे पर मानते कति नहीं थे। तो क्या कहते हैं गरीबदास जी, कह रहे हैं कि उस जुल्हे के ज्ञान के प्रसंग को सुनकर विद्वान भी थक जाते थे, हार जाते थे, बेशक वो ऊपर से स्वीकार नहीं करते थे, अंदर से टूट जाते थे। अब परमात्मा ने क्या लीला की, परमात्मा की यही कोशिश रही है कि सबसे पहले क्यों ना मैं इस रामानंद को सेट कर दूं जो इतना प्रचार कर रहे, फिर ये हो सकता है मेरे वाले ज्ञान को बता दे, मेरा काम हल्का होगा। तो परमात्मा ने सोचा इस रामानंद के निकट जाऊं कैसे, एक दिन लीला की जो 5 वर्ष के हो चुके थे, लीला की, रामानंद जी प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाया करते थे गंगा के घाट पर, एक पंच गंगा घाट ब्राह्मणों ने महापुरुषों के नहाने के लिए बना रखा था, ब्राह्मण ब्राह्मण नहाते थे उसमें, प्रतिदिन जाते थे मुंह अंधेरे वक्त से। एक दिन परमात्मा ने छोटे से बच्चे का रूप बनाया, 2.5 साल के बच्चे का, 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप बना करके पैड़ियों में लेट गए, जहाँ गंगा पर नहाने के लिए नीचे घाट पर उतरते हैं स्नान करने वाले। रामानंद जी वक़्त से उठे, अपने स्वाभाविक तरीके से नीचे उतर रहे थे नहाने के लिए, जल के निकट जा रहे थे, बीच में लेटे बच्चे के सिर में उनकी खड़ाऊँ लगी तो जैसे बालक लीला करता रोने की, परमात्मा रोने लगे। रामानंद जी क्योंकि दयालु साधु संत दयालु होते हैं, एक दो स्पीड से झुके के कोई बालक का चोट लग गई, और जब वो झुके थे उनके गले की कंठी जो विशेष पहचान है वैष्णव परंपरा की, एक तुलसी की मनिया, तुलसी की लकड़ी का एक मनका होता बस पूरे धागे में,
वो गले में डालते हैं, वो पहचान है कि वैष्णव परंपरा से युग दीक्षित है। वो निकल के वह माला कंठी कबीर जी के गले में डल गई अंधेरे में। रामानंद जी ने उठाया कि बेटा राम राम बोल, राम राम बोल, राम के नाम से सुख होता है, चोट लगी तुझे, बैठ जा, तेरे घर भिजवा दूंगा बेटा, तू गलती से नींद में इधर आ गया। परमात्मा चुप हो गए, जो काम था उनका हो गया, वो नहाने लग गए, वो अंतर्ध्यान होगा अपने कुटिया में आ गए। रामानंद जी ने सोचा बच्चा चला गया होगा, इधर उधर देखा नहीं कहीं मिला, कोई बात नहीं। अब कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने एक रामानंद के शिष्य को, ब्राह्मण को, विवेकानंद नाम था उसका, वो प्रवचन कर रहा था श्री विष्णु जी के, ये पुजारी होते हैं विष्णु को, सुप्रीम पावर बताते हैं। वो कह रहा था विष्णु सर्वेश्वर है, महेश्वर है, ये तीनों रूप धारण करके सब लीलाएं करता है, ब्रह्मा रूप में सृष्टि रचता है, शिव जी रूप में संहार करता है, और विष्णु बन कर ये सबकी स्थिति और पालन करता है। ये अजरो अमर है, इनकी कोई माता पिता नहीं है। कबीर परमात्मा वहां बैठे थे और जब सत्संग उन्हें पूरा किया तो परमात्मा खड़े हुए, कहने लगे स्वामी जी एक शंका है मेरी। कहा बोल बच्चा, क्या बात है? आप कह रहे हो कि सर्वशक्तिमान है, इनकी कोई माता पिता नहीं है, तो मैंने एक ब्राह्मण कथा कर रहे थे, वो देवी पुराण का तीसरा स्कंद पढ़ रहे थे, जिसमें विष्णु जी खुद कहते हैं हम तो नाशवान है, हमारा जन्म मृत होता है, हम अविनाशी नहीं है, और दुर्गा हमारी, तू मेरी माता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान स्वीकार करते हैं कि जब ब्रह्मा और विष्णु आपसे उत्पन्न हुए हैं तो माता दुर्गा में भी आपका बेटा हुआ। आपके तो ऐसा है नहीं। एक शिव पुराण सुना रहा था ब्राह्मण, वह मैंने सुना था रुद्र संहिता के अंदर, ये ब्रह्मा और विष्णु जैसे सदाशिव और कालरूपी ब्रह्म और दुर्गा के संयोग से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई, इसी प्रकार ब्रह्मा जी कहते मेरी उत्पत्ति हुई इन दोनों के संयोग से, आप कहते उनके जन्म माता पिता नहीं है। अब वो तो साथ रखा करते पुराण, रोटी उन पर खा रहे थे, उठाकर देखा, दोनों देखे, जो कहते तो पाए, बंद कर दिए, संस्कृत में होते थे, कल के झूठा है, पाखंडी है, तू कौन है, कहाँ से आ गया, क्या नाम है तेरा, क्या तूने कोई गुरु बना रखा, तूने तिलक विलक लगा रखा है ये वैष्णव परंपरा का, क्या तूने कोई गुरु धारण किया, कहाँ जी कि किसको गुरु बनाया, कि जो तूने बना रखा है वही मैंने बना रखा है। कहने लगा मैंने बना रखा है, तेरी क्या जाति है? अब परमात्मा तो कहने लगे जात न पूछो संत की, पूछ लीजियो ज्ञानी, मोल करो तरवार का, ये पड़ी रेण जो म्यान। तो परमात्मा तो बोले नहीं, जो श्रोता ब्राह्मण और श्रोता थे दूसरे, वो कहने लगे ये नीरू का पुत्र है, जुलाहे का, ये धानक है भाई, स्वामी जी धानक है, जुलाहा है ये। तो उसको तो फिर बहाना मिल गया, विषय बदल दिया कि देखो लोगों कितना झूठा है, पाखंडी है, ये जुलाहा है, और कहता है मैंने रामानंद जी को गुरु बना रखे, मेरे गुरु जी स्वामी रामानंद जी है, और ये तुम्हारे सामने कह रहा है कि मैंने उन्हीं को गुरु बनाया। कल तुम भी आना सारे स्वामी जी के पास, मैं कंप्लेंट करूंगा, प्रार्थना करूंगा, और इसकी साथ आएगी, देखना झूठा, हमारे गुरु जी तो इन शूद्रों को निकट भी नहीं आने देते, ये वैसे वहां उस समय सही था। तो सबको विश्वास हुआ कि झूठा आदमी अनपढ़ है, कबीर जी इसको क्या पता वेदों और गीता में और पुराणों में क्या लिखा है, तो हमारी इन्होंने ऐसे रोल मार रखी थी अब तक, क्योंकि हम सदग्रंथों को पढ़ने योग्य नहीं थे। तो इन झूठों की मारे सारी बात सच्ची जचगी कि कबीर जी झूठ बोले, ये ब्राह्मण झूठा सच्ची कह रहा है। अगले दिन उसने तो एक साइड निकालनी थी, रामानंद जी से कहा कि स्वामी जी हमारी तो नाक काट दी, हम कैसे प्रचार करेंगे, एक शूद्र का लड़का दुल्हे का और आपको अपना गुरु बताता है, हे महाराज हम तो मर गए, कति बाहर नहीं निकल सकते। परमात्मा को वहां लाया गया, जबरदस्ती पकड़ के उनके माता पिता ने कोशिश की रोकने की, उन दोनों को पीट कर अधमरा करके छोड़ा, ये कसाई राक्षस ब्राह्मण पुण्यात्मा, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, जो कर्म ब्राह्मण का करते हैं चाहे कोई भी कर रहा हो, और जो उनको ज्ञान नहीं और झूठी बकवाद करते हैं, तो
देवी पुराण के अंदर छठे स्कंद में 414 पृष्ठ में लिखा है। खुद व्यास जी कह रहे हैं कि कलयुग के ब्राह्मण सतयुग त्रेता द्वापर के समय में जो राक्षस माने जाते थे, कलयुग के ब्राह्मण उन राक्षसों के तुल्य है वर्तमान। इसमें कोई शक नहीं, ये प्रमाणित कर देंगे दास भी आपको, कबीर साहब के साथ कैसे जुल्म किए नालायकों ने, सत को माना नहीं, केवल अपने स्वार्थ बस अपनी रोजी रोटी के लिए। एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ज्ञानेश्वर नाम के महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण थे और उनको प्रेरणा होगी भगवान की भक्ति के लिए, वो घर छोड़कर चले गए जंगल में। अब वहां पांच चार वर्ष रहे, फिर भी वो उन्हें सोचा भी घर पे रहकर ही बात बनेगी, तो वापस आ गए। और उनके जो यजमान थे, रोजी रोटी का साधन थे, वो अन्य ब्राह्मणों ने बांट लिए। उसके 20-30-50 जो घर थे ब्राह्मण यजमान थे ज्ञानेश्वर जी के, वो उन नकली ब्राह्मणों ने डिवाइड कर लिए थे। जब वो दोबारा आगे तो उनको चिंता हुई कि आते फिर यजमान मांगेगा और तुम्हारी रोजी रोटी बांटेगा। हालांकि उसी की ले रखी थी, उसके साथ ऐसा जुल्म कहर तोल दिया कि अब ये ब्राह्मण नहीं रहा, अब ये यजमानी नहीं कर सकेगा, ये सन्यासी बन चुका है। उसको विवश कर दिया मरने के लिए, उसने जिंदे न समाधि लेनी पड़ी। इतना कसाई क्रम कर देते ये लोग। कबीर परमेश्वर जी के मुंह बोले माता पिता नीरू और नीमा को मार कूट के, वह रोके थे ना ले जाओ हमारे बच्चे को, क्या गलती कर दी, हम समझा देंगे। उन मस्टंडे लेकर गया था विवेकानंद, 5-8-10 डंडे वाले, उन्हें कूट कूट का दुमरे करके छोड़े और उनको परमात्मा को ले आए। रामानंद जी के सामने जब खड़ा किया कि स्वामी जी ये आ गया वो दुल्हे का बेटा जो हमें बदनाम करता है, तो रामानंद जी भी अपना नंबर बनाने के लिए कि झूठा है, अपनी कुटिया के सामने पर्दा लगा लिया और कुटिया के अंदर से प्रसन्न कर रहे हैं परमात्मा को, 5 वर्ष के बालक को बाहर खड़ा कर रखा है। रामानंद जी पर्दे के अंदर से प्रसन्न कर रहे हैं परमात्मा, उत्तर दे रहे हैं। आड़ा पर्दा लाए कर ये रामानंद बोजनते, गरीब दास कुरंग छवि उधर ढाक कूदनते, के अंदर रामानंद जी ड्रामा कर रहा, इतना अपने आप को यानी क्रोधित महसूस कर रहा था, धरती पर पैर पीटे और अंदर से गुस्से में आवाज होकर बोल रहा है, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब अधीन गति फिर बोलत है बलि जाऊ में। गरीबदास जी इस वाणी को पुनात्मा जब तुम पढ़ा करोगे, जब आपकी ऐ मिट जाएगी उसके बाद देखना, इस वाणी को पढ़ते समय आंखों से आंसू बहा करेंगे और ये परमात्मा के प्रति आपकी आस्था का प्रतीक होगा। कहते हैं जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चुत मंजन झलक तेज नयारे। आत्मा और परमात्मा के बीच में पापों का बादल जैसी छाया अड़गी, जब तक ये अड़ी हुई है बादल कर्मों का, आपके अंदर प्रेम जागृत नहीं होता और फिर इस ज्ञान से फिर भगवान में आपका प्रेम जागेगा, आंसू की धार बहने लग जाएंगी, तो उसके बाद ये पापों की समझो वो बादल छट गए, खत्म हो गए। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन फिर झलक तेज नयारे। अब जैसे गरीबदास जी कह रहे हैं, रामानंद जी पूछ रहे हैं, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है, रामानंद जी पूछ रहे हैं। और गरीबदास जी क्या बता रहे हैं, दास गरीब अधीन गति फिर बोलत है बलि जाऊं मैं, कि सारी सृष्टि के मालिक सर्वशक्तिमान 5 वर्ष के बालक के रूप में एक सच्चे शिष्य की भूमिका करते हुए विनम्र भाव से अधीन होकर प्रश्न का इंतजार कर रहे हैं, बोलो गुरुदेव क्या कहना चाहते हो।
तो परमात्मा ने क्या बताया, कति आदिनी से, अभिमान से नहीं, क्योंकि सच्चाई को किसी तरह बता दो सच्चाई रहेगी। जाति हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। परमात्मा ने कहा कि अगर मेरी जाति पूछते हो तो जगत गुरु हूं मैं, सारे विश्व को सच्चा ज्ञान देने वाला सतगुरु हूं मैं, और मेरा पंथ पूछता है तो मैं परमेश्वर पंथ है परमेश्वर। आज के सत्संग का सबसे पहला यही अर्थ स्टार्ट था कि तीन पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, इनको दूसरी भाषा में ईश, ईश्वर, परमेश्वर। ईश कहते हैं 21 ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म सरपुरुष को, और ईश्वर इससे बड़ा सातसंग ब्रह्मांड का स्वामी है वो अक्षर पुरुष, उसको ईश्वर कहते हैं, यानी ईश, ईश से श्रेष्ठ। और परमेश्वर, ईश्वरेशु समर्थेशु परमेश्वर श्रेष्ठ है, सह परमेश्वर है। इन ईश्वरों में भी सभी यहाँ के वर्तमान के जितने समर्थ बने बैठे इनमें भी जो परम श्रेष्ठ है सह परमेश्वर है। तो वो उत्तम पुरुष कौन है, वो परमेश्वर यानी ईश्वर का से भी परम सर्वश्रेष्ठ। रामानंद जी तो उस ब्रह्म के ऊपर अटके हुए थे, और ब्रह्म के तो दूर की बात है, विष्णु जी को ही ब्रह्म मान रहे थे और सर्वशक्तिमान मान रहे थे। क्या बताते हैं परमात्मा, कहते हैं जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर मेरा पंथ है, कि मैं परमेश्वर का पंथ चला रहा हूं। जैसे कोई तो निरंकारी पंथ है, कोई विष्णु जी का पंथ है, कोई शंकर जी का पंथी है, पंथी मनुष्य मार्ग पर चलने वाला। तो कबीर परमात्मा कहते मेरा वो परमेश्वर वाला पंथ बताने आया हूं, मैं सारी सृष्टि को ज्ञान देने वाला जगत गुरु हूं, और मेरा नाम है, पूछता है तो मैं परमात्मा हूं। अब परमात्मा सबद्र धानक दुल्हे का बेटा कहे तो कैसे गले उतरे उस विद्वान ब्राह्मण के, कर्महीन के, क्या बोले, रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकार, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सरजनहार। रामानंद जी कहते हैं कि ए दुर्बुद्धि, ए बुद्धि भ्रष्ट बच्चे, तेरा शरीर दिखाई देता है, तू अपने आप को निरंजन भगवान बता, क्योंकि ये तो निरंजन पर टकरे हैं। हमारे गांव में एक नाथों का डेरा है, और जो अस्तल बोहर से जुड़े हुए, हम उस बाबा वो नाथ था उससे जुड़े हुए ये, तो वो आते थे जब दीक्षा मांगने के लिए, तो वो बाबा आता था, छोटे छोटे थे, वो कहा करता अलख निरंजन माई, अलख निरंजन, बेटी के बाबा सर्व में काल का नाम ले तो आती। अब पता चला वो तो काल का दूत था। तो परमा ये अलख निरंजन को उत्तम मान रहे हैं, तो परमात्मा कह रहे हैं कि मेरा वो निरंजन नाम है, थारे भगवान वाला समझ लो। वैसे वास्तव में निरंजन परमात्मा कबीर जी ही है, ये नकली निरंजन है, ये झूठे हैं, कहते हैं निरंजन है अंजन के माही, अंजन माने माया, निरंजन माने माया रहित। ये देखो ये सब झूठे हैं, अपने आप को भगवान बताते रहे, भगवान है ही नहीं, ऐसे ये निरंजन बने बैठे हैं, और इन्होंने इसी निरंजन ज्योत निरंजन काल को मालिक मान रखा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा ये निरंजन नाम समझ ले। अब उस निरंजन को ये मानते निराकार। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका क्या नाम है? ऋषि कुमार प्रजापति जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं गाजियाबाद यूपी से आया हूँ जी। सर आप क्या काम करते हैं? सर मैं CPWD ठेकेदार हूँ सर उसमें। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? 30 तारीख 2014 में ली थी, 8 महीने में। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर हम श्री कृष्ण जी को एज ए इष्ट मानते थे, और दुर्गा जी की भी पूजा करते थे, वैष्णो देवी जाते थे और शिरडी भी जाते थे, उनसे हमें कोई मतलब ऐसा लाभ नहीं हुआ जी।
सर अभी आपने बताया कि आप कृष्ण जी की पूजा करते थे, वैष्णो देवी जाते थे, आपको ये भक्ति साधना करते करते क्या कोई लाभ हुआ? सर मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं CPWD का ठेकेदार हूँ और मैं कोई भी टेंडर डालता था, मेरा कोई भी टेंडर जो है नहीं आता था सर। तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी था, कभी तो मेरा 10 लाख का हो जाता था नफा हो जाता था, कभी मेरा 20 लाख रुपये का नुकसान हो जाता था। इस तरीके से मेरा जो है चल रहा था जी। और कान बहता था मेरा बचपन से, हमने कई जगह दिखाया और वहाँ से कोई लाभ नहीं हुआ मुझे। और मेरे शरीर में भी पीड़ा रहती थी और मेरा मतलब हालत ज़्यादा गंभीर थी जी, हमारी आर्थिक स्थिति भी ख़राब थी और ठेकेदारी में नुकसान वगैरह ज़्यादा हो रहा था जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आप कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं ऐसे आया कि एक हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने बताया कि भाई ये तंत्र विद्या वाले हैं, उनके पास जाओ, आपको ज़्यादा नुकसान हो रहा है, आप वहाँ से जो है लाभ मिल सकता है। तो मैंने कहा जी ठीक है, तो मैं वहाँ गया तो उनसे मैंने कुछ करवाया तो उन्होंने से मेरा कुछ खाली कुछ राहत नहीं मिली, तो फिर मैं घर चला गया। जाने के बाद जी फिर अगले दिन जो है नवरात्रे स्टार्ट थे, तो हमने हमारे यहाँ अखंड जोत जलाते हैं नवरात्रे की, तो हमने नवरात्रे की जोत जलाई और जोत जलाने के बाद में हमने छोड़ दिया। दूसरे नवरात्रे को मुझे रात को ये प्रेरणा हुई कि भाई आपको गुरु नहीं है इसलिए आपको जो है ये हानि हो रही है। तो मैंने फिर सुबह भाई को उठ करके सुबह फ़ोन करा, मैं कहा भाई हमारा गुरु नहीं है इसलिए हमारे सारे ठेकेदारी में नुकसान हो रहे हैं और जो भी हमारे जो काम बनते हैं बनते बनते बिगड़ जाते हैं वो इसलिए हो रहा है। तो भाई कहने लगा ठीक है भैया आप जो कहते हो तो भैया चलते हैं। तो हम उसी गुरु के पास में गए, तो मैंने कहा जी हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं और ऐसे से बात है भाई हम बहुत दुखी हैं। तो उन्होंने कहा भाई गुरु जी तो ऐसा है कि मैं नहीं बन सकता। हाँ मैंने उसने अपना अनुभव बताया कि मैंने आश्रम के यहाँ पर मैंने 10 साल भक्ति कर ली और धंधन सतगुरु में भी 10 साल रह के आया। उसने अपने कई गुरुओं के बारे में बताया पर उसने कहा भाई एक गुरु जी हैं अगर आप जाना चाहते हो तो। मैंने कहा जी कौन से हैं? उन्होंने कहा भाई रामपाल जी महाराज हैं हरियाणा में। तो मैंने कहा जी फिर वहाँ कैसे जाया जाएगा? उन्होंने कहा भाई आपका नेट का जमाना है, आप नेट बढ़ा लो चले जाओ। तो हम जी घर दोनों भाई आए और फिर घर से हम वापस गए और वापस जाकर हमने नेट पर चेक करा, तो नेट पर जाकर के हमें ये पता लगा, टेलीफोन करा हमने तो भाई बताया कि भाई आप ऐसे से हिसार आ जाओ और हिसार से बरवाल आ जाओ, आप देख लो आकर। तो जी हम दोनों भाई वहाँ गए। जाने के बाद हमने गुरुजियों से वहाँ रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और फिर हम अपने इस भक्ति में लग गए। सर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से के बाद में मुझे जो लाभ हुए वो एक तो जी है कि मेरा बचपन से कान बहता था, वो कहीं पर भी ठीक नहीं हो रहा था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मेरा कान का बहना ठीक हो गया जी। और दूसरा लाभ मेरा ये हुआ जी, जैसे कि मैं 10 मिनट भी बैठ नहीं पाता था, मेरे पैर में इस राइट साइड के पैर में दर्द रहता था बहुत ज़्यादा, तो बैठ नहीं पाता था। तो मेरे पता नहीं लगा जी सतनाम लेने के बाद में फिर मेरा वो पैर का दर्द भी समाप्त हो गया धीरे धीरे, मुझे पता नहीं लगा। एक लाभ मुझे ये हुआ कि मेरे सर में जो है दर्द रहता था राइट साइड के लिए, तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मेरा वो सर का दर्द भी ठीक हो गया जी। अब और हुआ जी मेरे को, जो हमारी माता जी हैं, माता जी को जी 20 साल से TB थी और उनको जो है नाम उपदेश दिलाने के बाद में हमारे गुरुजियों से रामपाल जी महाराज से उपदेश दिलवाया और उनकी TB जो है 3 महीने में ठीक हो गई जी। सर मैं एक और लाभ बताना चाहता हूँ आपको आर्थिक स्थिति के, जो कि मेरी ज़्यादा गंभीर हो गई थी ठेकेदारी करते करते, कि जब मैं पहली साधना करता था मुझे कोई भी लाभ नहीं होता था आर्थिक स्थिति में, 10 रुपये का काम करता था और उसमें मेरा काफ़ी नुकसान हो जाता था, मतलब यानी कि 1 लाख रुपये का फ़ायदा और 10 लाख का नुकसान होता था मेरा। और जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लिया तो मेरे को लाभ ऐसे हुए कि मैं गिनाऊं तो गिना नहीं सकता उसको। जैसे कि मैं आज कोई काम करता हूं सर तो ये सोच के करता हूं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज मेरा ये काम हो जाना चाहिए, तो परमात्मा सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज मुझे अगले दिन मेरे को वो काम जो है ठीक कर देते हैं, आज मुझे कोई उसमें कोई संकट नहीं रहता जी। और मैं एक बार जी तारीख पर जा रहा था अपने सतगुरु रामपाल जी महाराज की, तो मेरे जेब में पैसे नहीं थे, तो जब पैसे नहीं थे तो एक बंदा कहाँ का था जी मुझे नहीं मालूम, हम डोमेस्टिक फ्लोर मिल बेचते हैं जी घरेलू आटा चक्की, तो वो बंदा अपने सुबह 8 बजे जो है ऑटो लेकर के आ गया और कहने लगा जी मुझे चक्की चाहिए। तो मैं बोला भाई हम तो गुरु जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, हम आपको चक्की नहीं दे सकते। उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि तुम पैसे ले लो और चक्की मेरे को बाहर निकाल दो, मैं आप ले जाऊँगा। तो मैंने कहा अच्छा भाई चलो ठीक है। तो मैंने जी उसको मैंने बोला भाई पैसे 13,000 रुपये किए, कहना भगत जी मैं कहना भाई मैं आपको पैसे नहीं पूछ रहा, आप पैसे ले लो चक्की दे दो मेरे को। तो जी मैंने उससे पैसे ले लिए और हमने उसको चक्की दे दी, वो ऑटो में लग के ले गया। सर जी
इतना बड़ा लाभ हुआ, इतना बड़ा मेरे साथ में चमत्कार हुआ कि मैं जीवन में धन रह गया कि बंदे की मैंने शकल नहीं देखी उसकी, कभी हमारी दुकान पे नहीं आया, हमने इतना ऐड भी नहीं करवाया था उस दौरान, और वो बंदा कहाँ से आ गया और वो चक्की ले गया, पैसे दे गया, और आज तक हमने 100 चक्की बेच दी होंगी और उनमें से कंप्लेंट आ गई, लेकिन जो चक्की वो लेके गया उस चक्की में कोई भी कंप्लेंट नहीं आई और पता नहीं लगा वो बंदा कहाँ का था कहाँ का नहीं था जी। ये मुझे बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। एक लाभ और हुआ जी मेरे को, मैं अपने ऑफिस से घर के लिए जा रहा था तो हमारा एक ताहिरपुर रेड लाइट टी पॉइंट पड़ता है जी, वहाँ पे मेरी गाड़ी के कार के ब्रेक फेल हो गए। तो सर ब्रेक फेल हो गए तो मेरे पसीने पसीने उड़ गए और मैं बोला, मैं कहा भाई आज तो मेरी जान बचेगी नहीं, आगे बस चल रही है, पीछे मैंने शीशा में देखा ट्रक आ रहा है, इधर से टेम्पो आ रहा था, मैं कहा भाई आज मैं नहीं बचूंगा। तो मैंने अपने सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज को याद करा और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने उस कार को ऐसे साइड लगा दिया जैसे किसी ढोर को लेकर के पखे बांध करके साइड में लगा देते हैं। तो जी मेरे को ये भी लाभ हुआ। उसके बाद मैं फिर चलने लगा वहां से गाड़ी को लेकर के, तो मेरा 10 मिनट के बाद मैं अगली रेड लाइट पे फिर ब्रेक फेल हो गाड़ी के। तो जब ब्रेक फेल दोबारा हो गए तो मैंने फिर गुरु जी को याद करा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को, वहां से परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे को साइड में करके निकाल दिया जी। मैंने फिर मैकेनिक को बुलाया, उसको मैंने चेक करवाया, मैं कहा भाई मेरी गाड़ी के बार बार ब्रेक फेल हो रहा है, क्या चक्कर है? तो उसने जब अंदर नीचे जा करके देखा, उसने कहा भाई आपका जो है ना गाड़ी का ब्रेक वाला लीक हो रहा है, इसकी वजह से आपके जो हो रहे हैं। तो मैंने कहा भाई इससे क्या होता? कह रहा जी आप तो बड़े भाग्यशाली हो, आप बच कैसे गए, आप इतनी रेड लाइट में इतने ट्रैफिक में चल रहे हो। मैंने कहा जी मैं आपको अगर बताऊंगा आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कहा मैं गुरु जी की शरण में हूँ। कहले वो कौन से गुरु जी है? मैं कहा वो हमारे सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज गुरु जी है, जो कि ऐसे ऐसे तो कुछ भी नहीं, वो तो परमात्मा सूली से बचा देते हैं जी। तो वो भी कहने लगा जी अच्छा जी। तो ये लाभ हुआ जी मुझे। आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी मैं जन समुदाय को संदेश तो नहीं, हाथ जोड़ करके करवद प्रार्थना करना चाहूंगा कि भी जिस स्थिति से मैं गुजरा हूं आप ना गुजरो। इससे पहले बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आवें, उनका सत्संग सुने, एक बार सुने और ध्यान से ज्ञानता से पूरी से किताब पढ़े, उनकी ज्ञान गंगा पुस्तक है, भक्ति से भगवान पुस्तक है, जीने की राह पुस्तक है, ऐसी कई पुस्तक निकाल रखी हमारे गुरु जी सतगुरु रामपाल जी महाराज ने, और इस टेलीविजन पे भी प्रोग्राम आता है उसको देखें और देख करके अनुभव करें कि भी। और जो मैं अपनी घटना बता रहा हूँ बिल्कुल सच्ची बता रहा हूँ, और मैं जैविक खाद का काम करता हूँ सर। आज मुझे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने वो मौज कर रखी है कि मैं आज सोचता हूँ गुरुजी आज मेरा तो कोई कस्टमर नहीं आया, तो बंदी छोड़ उसी टाइम मेरा फोन आता है और कि भाई आज यहाँ माल भेज दो। तो मैं भगत समाज को, जगत समाज को यही हाथ जोड़ कर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भाई आप हमारे सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज के वचनों को सुने, प्रवचन सुने, टेलीविजन देखें और फिर लाभ देखें जी और शरण में आए। सर अभी आपने बताया कि संत रामपाल जी के ज्ञान सुने, लेकिन दुनिया में और भी बहुत सारे गुरु हैं जी। तो सर भक्त समाज कैसे कंपैरिजन कर सकता है कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान उत्तम है? सर आजकल समाज पढ़ा लिखा है और जो पहली साधना कर रहे थे ये भी सभी जगत समाज सारा जानता है। तो हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज वेदों में प्रमाण करके बताते हैं कि भाई आपको इस चैप्टर में ये लिखा है, इस किताब में ये लिखा है, इसका ये प्रमाण है, उसका ये प्रमाण है, सारे प्रमाण देके बताते हैं। इसलिए हमारे गुरु जी सबसे श्रेष्ठ हैं और सच्ची भक्ति बताते हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं? सर सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज ने मतलब कई चैनलों पर सत्संग चला रखे हैं और उनको आप गहनता से देखें और उन पे नंबर आते हैं, उनके नंबरों पे फ़ोन करें, कांटेक्ट करें और कांटेक्ट करके जो नज़दीकी अपना क्षेत्र लगता है, आज जगह जगह हर जिले में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने अपने नाम स्थल खोल रखे हैं, वहाँ से संपर्क करके अपना नाम दीक्षा लेकर के कल्याण करा सकते हैं जी। धन्यवाद सर। सत साहिब। देख रहे थे संत रामपाल जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222